और अब रुख करते हैं खबर तहसीलरी का और शुरुआत करते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरों से। अलवा में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक, कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। बैठक में जिला अस्पताल में संविदा कर्मियों की भर्ती करने को लेकर हुई चर्चा। सागर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर पीएचसी में एक दिवसीय कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में 52 मरीजों को दिया गया परामर्श। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हर्षिता खींची ने जानकारी साझा की। कठुमर के तसई में दौड़ लगा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। युवक की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लिया शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। कठुमर में इजाड़ धर्मशाला में महाराजा सूरजबल की प्रतिभा का अनावरण पूर्व मंत्री महाराज विश्वेंद्र सिंह ने किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूरिया ने फीता काटकर पट्टिका का अनावरण किया। विधायक रमेश खींची रहे विशिष्ट अतिथि। पावटा में सैनी समाज ने बसंत पंचमी पर 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। राम मैरिज गार्डन में हुआ आयोजन। सम्मेलन में 15 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न। चलिए अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। झुंझुनू के बिसाऊ में एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की घोषणा पर मनाया गया जश्न। रेलवे संघर्ष समिति के प्रयासों से अरावली एक्सप्रेस का बिसाऊ स्टेशन पर होगा ठहराव। 40 गांव के लोगों को इसका फायदा। जजों के गुड़ा गौडजी में छऊ से बालाजी क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करने की मांग। 6 महीने पहले क्षतिग्रस्त सड़क का बीच में काम छोड़ने से ग्रामीणों को हुई भारी परेशानी। ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। और चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। फलौदी के लौडिया में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन। कथा के चौथे दिन शिव पार्वती के विवाह का किया गया विस्तृत वर्णन। कथा सुनने बड़ी तादाद में पहुंचे ग्रामीण, भजनों को सुन मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धा। फलौदी के डिस्कॉम कर्मचारी नेता करण सिंह राजपुरोहित को उनके विशेष कार्यों के लिए यूथ वर्ल्ड अर्पण अचीवर्स अवार्ड से किया गया सम्मानित किया जाएगा। राजपुरोहित ने विद्युत पोल पर चढ़ने के शूज विकसित किए थे। जसमी की नाचना पहुंचे पोखरण विधायक। विधायक महंत प्रतापपुरी ने नाचना से की दीवार लेखन कार्यक्रम की शुरुआत। भाजपा ने एक बार फिर मोदी सरकार के उद्देश्य से दीवार लेखन कार्यक्रम शुरू किया। फलसुन के गौडा गढ़ा धाम पर शिवदानपुरी महाराज की समाधि पर आयोजित मेले में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने कतारों में खड़े होकर समाधि के किए दर्शन। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फलौदी के एका भाटिया में 75 केएल उच्च जलाशय निर्माण स्थल पर पहुंचे कलेक्टर। माप पुस्तिका एवं लेआउट प्लान का किया अवलोकन। संबंधित अभियंताओं से परियोजना की जानकारी ली। तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। फलौदी के गुंडल में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत पॉलिसियों का वितरण। कलेक्टर हरजीलाल अटल ने किया वितरण। कहा किसानों को फसल खराब के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार कटिबद्ध है। फलौदी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। 6 फरवरी को दर्ज हुआ था मामला। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। फलौदी में रेल सेवाओं का संचालन प्रभावित। रेल दोहरीकरण के कारण 2 रेलों का बदला गया मार्ग। नावा सिटी कुचामन सिटी स्टेशनों के बीच चल रहा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ की सादगी। राठौड़ ने मॉर्निंग वॉक के दौरान गांव में चाय की थड़ी पर ली चाय की चुस्कियां। आमजन से भी मुलाकात की। लोगों ने की विधायक की प्रशंसा। फलसुन के मानसर सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी श्रद्धालु से भरी वैन। वैन सवार 60 वर्षीय बुजुर्ग को गंभीर हालत में किया गया जोधपुर रेफर। गौड़ा गढ़ा धाम दर्शनों के लिए जा रहे थे सभी श्रद्धालु। बाड़मेर के पीजी कॉलेज में चल रही वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की परीक्षा में पकड़े गए 2 फर्जी परीक्षार्थी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों फर्जी परीक्षार्थियों को किया गिरफ्तार। बाड़मेर के लाल ने किया नाम रोशन। 14 वर्ष छात्र वर्ग हैंडबॉल में राजस्थान टीम में हुआ चयन। टीम को हैंडबॉल के फाइनल में जिताकर जीता गोल्ड मेडल। बाड़मेर पहुंचने पर फूलमालाओं से किया गया स्वागत। पुलवामा हमले की 5वीं बरसी। पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा गया मौन। पुलवामा हमले को काले दिन के तौर पर याद किया जाता है। जोधपुर में बसंत पंचमी को ध्यान में रखकर श्याम बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। श्याम बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। भक्तों ने की माता मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा आराधना। वडियाना के झाबरा गांव में सरकारी स्कूल का वार्षिकोत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर सेना के मेजर राजेश राम मौजूद रहे। रंगारंग प्रस्तुति के साथ छात्र छात्राओं ने देशभक्ति की प्रस्तुतियां भी। चलिए अब देखते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरें।
सिरोही में तेज रफ्तार अर्धित कार की चपेट में 12 लोग आए, हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन, चौराहे से हटा गया अवैध अतिक्रमण। साचौर कलेक्टर पूजा पार्थ ने रानीवाड़ा के एसडीएम कार्यालय में ब्लॉक अधिकारियों की बैठक, विभागवार सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। माउंट आबू का नाम आबू राज बदलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित, नगर पालिका की बैठक में प्रस्ताव हुआ पारित, नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता सुनील आचार्य ने प्रस्ताव रखा। देसुरी के श्री सोनाणा खेतलाजी जूनी धाम में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन, भक्त परिवार ने 56 भोग लगाकर 120 किलो की चांदी के नाग देवता सहित आभूषण चढ़ाकर पूजा अर्चना की। अच्छा, अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों। हनुमानगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में हंगामा हुआ, शिला पट्टी पर डायरेक्टर का नाम नहीं लिखने पर हुआ हंगामा। झंडा वाली डायरेक्टर मनोहर लाल ने चलती बैठक में लगाया धरना, धरना लगते ही सरपंच पति और डायरेक्टर आमने सामने हो गए। हनुमानगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद के आह्वान पर किसान संगठन और जिला प्रशासन आमने सामने हुए। एसडीएम ने किसान संगठनों के साथ जिला कलेक्ट्रेट में ली बैठक, किसानों से धान मंडी की बजाय कहीं और से रैली निकालने का आग्रह किया। और चलिए अब देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। अजमेर के रूपनगढ़ में स्वीप मतदाता जागृति कार्यक्रम के तहत स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया गया। मतदाताओं को ईवीएम वीवीपैट मशीन से मतदान करने की जानकारी दी गई, मतदान के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। रूपनगढ़ के कोटड़ी गांव में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता, ग्रामीणों को दी गई केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। भाजपा मंडल मीडिया प्रमुख और एबीवीपी अध्यक्ष मोहन वैष्णव भी रहे मौजूद। लाडू में समाजसेवी लालचंद नागपुरिया ने निजी भूमि में से 4 बीघा भूमि शमशान के लिए दान दी। भूमि पर बसंत पंचमी के अवसर पर 4 दीवारी का कार्य प्रारंभ हुआ, गणमान्य लोगों ने इस पुनीत कार्य की सराहना की। नागौर के श्री रामदेव पशु मेले में सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया गया जागरूक, किसान और पशुपालकों की कार्यशाला के माध्यम से किया जागरूक। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश मीणा के साथ पशुपालक भी रहे मौजूद। रिजवाल में चलाया जा रहा डाक विभाग का सुकन्या समृद्धि खाता अभियान, अभियान के तहत उपमंडल में ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित हो रहे शिविर में बाल आधार कार्ड भी बनाने का हो रहा काम, 15 फरवरी को अभियान का होगा समापन। मेरता के खाखड़ी गांव के पास भीषण सड़क हादसा, हादसे में वृद्ध महिला की मौत हुई, बेटा और पोता हुआ घायल, घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया गया। ब्यावर में उपखंड अधिकारी गौरव बुटानिया ने मेवाड़ी गेट स्थित सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, ओपीडी सेवा पंजीयन काउंटर रोगी उपचार सहित लैब का किया निरीक्षण, साफ सफाई की व्यवस्था व्यवस्थित पाई गई। लाडू में काला दिवस के रूप में मनाई गई पुलवामा हमले की 5वीं बरसी, स्थानीय अशोक स्तंभ प्याऊ पर भाजपा युवा मोर्चा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि सभा ने युवा मोर्चा अध्यक्ष चेतन भोजक सहित कई लोग मौजूद। डिजवाना में बसंत पंचमी पर नागौरिया मठ में भगवान के विवाह महोत्सव का आयोजन, भगवान जानकीनाथ और माता लक्ष्मी बंधे विवाह बंधन में, शहर में धूमधाम से निकाली गई भगवान की बारात। ब्यावर के दिलवाड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं ने उनकी कक्षाओं को प्रथम पारी में ही संचालित करवाने की मांग की, मांगों को लेकर छात्राओं ने एसडीएम से की मुलाकात, अपनी समस्याओं से करवाया अवगत। नसीराबाद नगर पालिका की बोर्ड बैठक आयोजित हुई, बैठक में बजट को लेकर हुई चर्चा, विकास कार्यों के लिए 38 करोड़ 44 लाख का बजट पारित किया गया। चलिए रुक करते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। बकानी में बसंत पंचमी के अवसर पर मेड़तवाल समाज ने कस्बे में निकाली फलौदी माता की शोभा यात्रा, शोभा यात्रा का सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। जलवाड़ के मनोर थाना में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय दीनी तबलीगी इज्तिमा का दुआ के साथ संपन्न हुआ, हजारों की संख्या में दुआ में पहुंचे लोग, मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी। बारा में गड्ढे के कारण बाइक फिसलने से हुआ हादसा, हादसे में सास की मौत हुई, दामाद हुआ गंभीर घायल, चोरी की चपेट में आने से महिला की मौत, घायल दामाद का अस्पताल में उपचार चल रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडौला के पास हादसा हुआ। किलवाड़ा में भील समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाई मां शंबरी की जयंती, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से माता शबरी की जीवनी पर डाला गया प्रकाश, कार्यक्रम में संत रामदास महाराज, मुन्ना महाराज और मांगीलाल गौड़ मुख्य अतिथि रहे।
झालावाड़ में बूंदी की इलाज के दौरान मौत के बाद हुआ बवाल, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। 20 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी पर अड़े परिजन, रैली निकालकर डीएम और एसपी को सौंपा गया। बरोत्रा के समदड़ी में झाड़ियों में मिला शव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, मामले की जांच में पुलिस जुटी। सालड़ा की दमाना थाना पुलिस के अवैध बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते 3 डंपरों को किया जब्त। बावड़ी खेरा के पास की घटना, कुम्हारिया गांव के पास की कार्रवाई। और चलिए अब देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। उदयपुर के ओगणा में स्कूल छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, क्षेत्र में तनाव को लेकर पुलिस ने की कार्रवाई, मामले में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पैसामन की दादवारा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 महीने पहले युवक पर फायरिंग करने के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल भी बरामद की गई, आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। पैसामन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन, सामाजिक कार्यकर्ता मीनल पालीवाल ने फरारा कानादेव का गुड़ा गांव में कार्यक्रम को आयोजित किया। राजसमंद के जोधपुरा गांव में तेंदुए का आतंक, तेंदुए ने बाड़े में घुसकर गांव के 2 बछड़ों का किया शिकार, सूचना पर मौके पर पहुंचे सरपंच, चिकित्सक और वन विभाग के कर्मचारी, ग्रामीणों ने की तेंदुए को पकड़ने की मांग। राजसमंद के बोरधनागा गांव में चोरों ने 3 घरों पर बोला धावा, चोरों ने 3 मकानों के ताले तोड़कर जेवरात सहित लाखों की नकदी पर किया हादसा, ग्रामीणों में भारी रोष, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सांसद सुभाष बहेड़िया ने शाहपुरा में दीवार लेखन अभियान की शुरुआत, रामद्वारा परिसर के पास सांसद सुभाष बहेड़िया ने किया दीवार लेखन, बहेड़िया ने दीवार लेखन कर कमल का फूल बनाया। राजसमंद के देवड़ा थाना क्षेत्र के पिपली चौराहा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। शाहपुरा में प्रधानमंत्री और चले नजर डालते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। धौलपुर के राजाखेड़ा में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर सवार 2 मजदूर घायल हो गए, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। धौलपुर में कुशवाहा प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक, कुशवाहा धर्मशाला में कुशवाहा समाज के गौरव चंदन प्रेमी की अध्यक्षता में हुई बैठक, 12 सूत्री मांग पत्र को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने कस्बे में निकाली धन्यवाद यात्रा, ग्रामीणों ने धन्यवाद यात्रा के दौरान विधायक का किया स्वागत, किन्नर बुलबुल भाई ने चांदी का मुकुट और साफा पहनाकर स्वागत किया। कुम्हेर में बसंत पंचमी पर्व पर 11 कुंडी हवन यज्ञ का किया गया आयोजन, गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में हुआ आयोजन, हवन यज्ञ में कस्बे के सभी गायत्री परिजन भी शामिल। कुम्हेर में आदर्श विद्यापीठ में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व, छोटे छोटे बच्चों ने विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से यज्ञ कर विद्यालय में किया प्रवेश, प्रधान अध्यापक देवेंद्र जोशी ने जानकारी। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।